सोच लो कि क्या बद्दुआ ली आपने किसी बुजुर्ग, किसी औलिया अल्लाह की, कि हर काम तेरा बिगड़ा हुआ, यहाँ तक कि सहाफियों तक को आप पर एतराज रहा कि आपका मुंह कंट्रोल नहीं है, है? वो कल हिमार इज़ा अदखला अदखला कुल्ला व इज़ा अखरज अखरज कुल्ला। मेरा रद्द कद हो, बस जो मुझ पर फर्ज था मैंने कर लिया और मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि एक शख्स जो एक अच्छे आस्ताने से निकला है, तबलीगी जमात से, अरब व अजम में उसने शोहरत पैदा की है, उसके वाज में भी कदर असर ज़्यादा रहा है, और अब वो नामुनासिब किस्म के अकायद और नज़रियात फैला रहा है। अभी मुझे अजीज़म जुनैद सल्लमऊ ने मिर्ज़ा कादियानी के मज़हब के एक मुबल्लिग का बयान सुनाया, उसमें उसने कहा हमारे मसीह मऊद ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा है कि ख्वाहिशात, लज्जतें, राहतें, आराम, इज्जत, ये हमारा महबूद है। ये देखें, अफ़रायत मन इत्तख़ज़ इलाहहू हवा, आपने देखा उस ज़ालिम को जिसने ख्वाहिशात को महबूद समझाए। वअदल्लहुल्लाहु इल्मन, इल्म के होते हुए अल्लाह ने दीन से हटाया है। आज तक इनके मुंह से गन निकल रहा है। ये नहीं कि कादियानी ने मुग़ल्लज़ात बके और चला गया। आज भी मिर्ज़ाइयों का वही हाल है, क्योंकि खिश्त अव्वल चून हद में मार कज तासुरैया मीर अवद दीवार कज। आदमी जब गलत है न, वो अच्छा इंसान है और अपने आप को मुजद्दिद और मुज्तहिद और मुल्हम और मुहदस कहता है, न वो कोई सही मुसलमान है और अपने आप को मसीह मऊद कहता है और मेहदी कहते हैं। हक की हिमायत के लिए मुनाजरा करना अंबिया की सुन्नत है। अगर आदमी खुद अहल ना हो और वो मजमे में इल्मी बात नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उम्मत के जो काबिल कदर, काबिल एहतराम मुनाजरीन गुजरे हैं, उनकी आप बुराई और तोहीन करें। और दीनी मकासद सिर्फ वो नहीं जो आप बयान करते हैं, इसी आसमान से आगे और अफलाक और भी है। अपने बारे में इतना खुशफहमी कि एक तरफ तो कहते हैं कि मेरा तो इल्म सारा तबलीगी है और सतही, हमारे यहाँ कोई तहकीक होती नहीं, दूसरी तरफ जो तहकीक करके इनको खामोश करते हैं, बजाय एजाज़ बख्शने के उसकी आप एहानत पर आए। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तो हमारे बुजुर्गान दीन में बड़े बड़े मुनाज़िर हुए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को हज़रत अली ने भेजा था खवारिज से गुफ्तगू के लिए, हज़ारों खवारिज मुसलमान हुए। मोबाइल ख़ुद पैगम्बर का नजरान के ईसाइयों से अव्वल मुनाजरा था। जब उसमें वो कामयाब नहीं हुए तो फिर मुबाहला हुआ। मुबाहले में भी वो समझ गए कि नबी बरहक़ है, हम जिज़िया देंगे, इनकार नहीं करें, और आपस में कहा कि मज़ीद कुछ न करो वरना जुलूस जाओगे। और आप तो खिलाफ करते हैं कि मुनाजरा होना नहीं चाहिए, और वहाँ तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और सूरह आल इमरान की इब्तदाई 87 आयात नाज़िल हुई आपकी ताईद हिमायत में। आप किस तरह दीन से वाकिफ़ है। आपको चाहिए कि ये बयानात वगैरह टेलीविजनों पे इधर उधर बंद कर दे, पहले पढ़ ले सही तरह। आपका सारा इल्म कमज़ोर और रस्ते मुस्तकीम से हटा हुआ है। और फिर आपको वो मालूम नहीं कि हिंदुस्तान को हमेशा के लिए महकूम बनाने के लिए जो फाउंडर को तैयार किया, और फाउंडर को मौलाना रहमतुल्लाह कीरानवी ने कैसे जो है ना इस्तांबुल के दरिया में, और वो किताब इज़हारुल हक़ भी छप रही है कई ज़बानों में, और बिलाद अरब आला गिफ्ट फ्राम मुलूक और सलातीन को तकसीम करते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी तो मुनाजरों में ही मारूफ हुए थे, और मोबाइल से शाहजहान पूरी चपी हुई है। आपने अपना जहन बनाया कि वो जो मुनाजरा करता है वो अच्छा नहीं करता। अच्छा करना और न करना ये तराजू आप कब से बने? बुखारी शरीफ में कि मुसलम कज़ाब जब पैगंबर के पास आया, आपने कहा ये जो मेरे हाथ में चढ़ी है ना, इसके भी अहल नहीं है कि आपको दूं। ये मेरा सहाबी है और उनका नाम लिया और फरमाया कि आपसे बात करें। वो जलील ख्वार होकर चला गया। अबू बकर ने अपने दौरे खिलाफत में बइजमाए सहाबा उसको कत्ल कराया। तो ऐसी कमज़ोर बातें आप करते हैं, फिर लोग हमसे तवक्को करते हैं कि जी आप कुछ ना। भाई हम तो कुछ नहीं कहते, कहता तो वो है। हम तो खाली उनके गुमराही और जलालात से उम्मत को बचाना चाहते हैं। इसी तरह हमारे मौलाना मंजूर अहमद साहब चिनोटी अल्लाह मकामहु, वो भी माशाल्लाह मिर्जाई और राफजियों के खिलाफ तीर बहादफ थे। सही मानों में सैफ समसाम थे। तो हमारे ये खतीब जो तबलीग से भी बेराह रवी कर रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता अकायद अहल हक से भी मुनहरिफ होता जा रहा है, ये ऐसे बहादुर मैदान मुजाहिदीन का तस्करा भी अच्छे अल्फाज में नहीं करना चाहता है। और लोगों को कहते हैं कि फला मुहक्किक़ असर ने और उन्होंने क्या ज़िंदगी भर तफरीक का काम किया है। आप तफरीक और इत्तेहाद किसको कहते हैं? इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वस्साबीन वन्नसार वल्लज़ीन अशरकू इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा इन्नल्लाह अला कुल्लि शयइन शहीद। ये तमाम फिरके जिक्र हुए कुरान में या नहीं? फिर आप ये आयत कुरान से निकाले हिंदुओं की तरह, और जिहाद की आयत निकाल रहे हो, ये आप निकाल ले। तो ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, तेरे घर टेस्ट पेपर नहीं है, जंदरी है। अपने हुदूद में रहो। जरा मेरी तरफ से जो आप पर फतावा लगे हैं वो काफी थे आपकी हिदायत के लिए, अगर आप मान जाते हैं। लेकिन आप और जो है ना दीवानगी पर उतर आए। तो कहर दरवेश बरजाने दरवेश, उसकी वबाल और सजा भी आप ही भुगतेंगे। दीन इस्लाम इस किस्म के लोगों से बहने बेमजा ये शहर सारा, दिल परेशान आज तारिक है संभलते ही नहीं। दिल परेशान आज तारिक है संभलते ही नहीं। अश्क बहते जा रहे हैं जो के रुकते ही नहीं। अश्क बहते जा रहे हैं जो के रुकते ही नहीं। हूँ तेरे दर जात आला ये दुआ है ज़रवली, हूँ तेरे दर जात आला ये दुआ है ज़रवली, हूँ तेरे दर जात आला ये दुआ है ज़रवली। बेमज़ा ये शहर सारा लग रहा है ज़रवली, छोड़ कर वो आज हमको।